मैं डॉक्टर नेपाल चंद्र महतो, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री सिंहभूम कॉलेज चांडिल। आज मैं आर्य समाज के उत्पत्ति, आर्य समाज के महान प्रवर्तक के रूप में, महान संगठनकर्ता के रूप में दयानंद सरस्वती, उनके विभिन्न जो सिद्धांत, उस सिद्धांतों के बारे में आज विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करेंगे और समाज में, धर्म में, राष्ट्रीयता की भावना में, देश के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए इनकी जो भूमिका रही है, उन भूमिकाओं के विभिन्न एक एक दृष्टांत पर अवलोकन करते हुए उनका अध्ययन प्रस्तुत करेंगे। यद्यपि ब्रह्म समाज जिसका संस्थापना 20 अगस्त 1800 28 को 20 अगस्त 1828 को जो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, ब्रह्म समाज धर्म में, समाज में, आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, सभी दृष्टिकोणों से पश्चिमी जगत के साथ संपर्क स्थापित कर, पाश्चात्य जगत के साथ संपर्क स्थापित कर अपना आधार स्तंभ को अवश्य मजबूत बनाया था, लेकिन सुधार बहुत सारे की चीज को किए, मानव को बहुत सारे प्रेरणा मिली, लेकिन ऐसी स्थिति गंभीर थी, जटिल थी कि श्रेष्ठता को, श्रेष्ठता की जो पाने की जो साहस, वह साहस की मतलब उसमें पूर्ण कमी थी। अतः ब्रह्म समाज का जो कर्म, ब्रह्म समाज के द्वारा जितने भी मतलब कर्म किया गया है, जितने भी सुधार, जितने भी समर्पण देश के लिए किया गया है, समाज के लिए किया गया है, उस समाज के माध्यम से, उससे केवल एक मानव को केवल प्रेरणा ही मिली, लेकिन ये अपना जीवन में उसको साहस के साथ अपनाने की जो भावना, एक अदम्य साहस जगाने के लिए, एक साहस के साथ उस चीजों को अपना कर समाज में उसको कैसे, मतलब उसका विस्तार, प्रसार प्रसार जन जन तक उसके अस्तित्व को, उसके मुख्य मूलभूत चीजों को किस प्रकार पहुंचाया जाए, कैसे किया जाए, ये सारे संपूर्ण काम हमारे आर्य समाज के द्वारा ही संपन्न हुआ है। अतः आर्य समाज के उत्पत्ति कथा, आर्य समाज के स्थापना, उसके लिए हमारे दयानंद सरस्वती की जो महत्वपूर्ण भूमिका भी है, उनके बारे में अगर उनका इतिहास को नहीं लेते हैं तो वह अधूरा हो जाता है, इसलिए उनके जन्म कथा, उनके विवरण, उनके जो कर्म क्रियाकलाप है, वे सारे चीजों को लेते हुए उसके एक एक सिद्धांत पर, एक एक बिंदुओं पर विचार करेंगे और उसके विभिन्न देनों के बारे में भी आलोचना करेंगे इस प्रसंग में। इसमें की जो यह घटना, ब्रह्म समाज आर्य समाज की जो विचारधारा, वह विचारधारा हमारे 1824 ईस्वी में दयानंद सरस्वती का जन्म, जिसका पहले का नाम था मूल शंकर, गुजरात के काठियावाड़ के टंकरा नामक शहर में अंबा शंकर नामक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। उनके पिता एक अच्छे ब्राह्मण थे, उनका ज्ञान, उनके विद्या अध्ययन की जो प्रक्रिया, एक धार्मिक दृष्टिकोण से मूल शंकर का किया गया था और मूल शंकर को धार्मिक ज्ञान बहुत अच्छी ढंग से विरासत से ही मिली थी। वह ज्ञान प्राप्त करके जब वे 14-15 वर्ष के हो गए तो उनके हृदय में धर्म की लहर, समाज सेवा की लहर, जनताओं के कल्याण के प्रति अपने आंतरिक उच्चासा, ये सब भावना, विभिन्न प्रकार का प्रश्न उसमें जगने लगा, जिज्ञासा की भावना आने लगी। एक दिन कहा जाता है उनके पिता या गांव के अभी जो जितने भी व्रती लोग थे, उपवासी लोग थे, वे लोग एक शिव के लिंग में अपना पूजा अर्चना सब पे एक साथ किए, उपासना करके, और
रात का टाइम था, उसी समय उसी जगह पर ये लोग पूजा अर्चना करने के बाद अपना सोए हुए थे। लेकिन मूल शंकर को, मूल शंकर को निद्रा नहीं आई थी और वह देख रहे हैं कि शिवलिंग के ऊपर में एक चूहा घूम घूम कर उसके जो मतलब विभिन्न प्रकार की प्रसाद जो उसमें चढ़ाया गया है, ये सारे प्रसादों को ये चूहा मतलब उधर उधर कर खा रहा है। तो ये चीजों को देखकर मूल शंकर के हृदय में एक जिज्ञासा की भावना जगी कि ये जो शिव अपना प्रसाद जो खा रहा है चूहा, उस चूहे से मतलब अपना संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे क्या संरक्षण करेंगे, उनके हृदय में जिज्ञासा जगी। तो ये अपने पिता को उठाकर बोले, जगाकर बोले कि पिताजी जब शिव स्वयं अपने चूहे से अपना संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोगों को क्या संरक्षण देंगे, हम लोग उन पर उतने आभारी हो गए हैं। लेकिन उनके पिताजी ने उनके बालहट को समझाते हुए कहे कि ठीक है, ऐसे जो एक विचार सद विचार देखे उनको समझा कर रखे और ईश्वर के प्रति आस्था जगाना का ही भावना बोल के समाप्त किए। लेकिन उनके हृदय में अपना जिज्ञासा पूर्ण नहीं हुआ, प्रश्न चिन्ह खड़ा ही रहा। इसके बाद आगे चलकर ये 5 वर्ष के बाद, इस घटना के 5 वर्ष के बाद उनका चाचा जी का अकाल मृत्यु हो गया मूल शंकर के। तो उनके अकाल मृत्यु हो जाने से उनके हृदय में बड़ी दर्द आई, दुख आया और उनके हृदय में फिर महात्मा बुद्ध के जैसा, महात्मा बुद्ध के जैसा उनका मतलब मृत्यु के बारे में कि मृत्यु क्या चीज है, मृत्यु होने के बाद मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए या मृत्यु से मतलब बाद जो मतलब मनुष्य को कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है या क्या चीज है, ये सारे चीजों के बारे में उनका हृदय में प्रश्न जगा, जिज्ञासा जगने लगा महात्मा बुद्ध के जैसा। तो उनको उनका जिज्ञासा का उत्तर मिला, प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं, मरने के बाद आदमी को मोक्ष प्राप्ति होता है, मोक्ष प्राप्ति किया है, मोक्ष प्राप्ति का साधन किया है, ये सारे प्रश्न मतलब उनके हृदय में जगा कि मोक्ष के लिए क्या करना होगा, हमको मोक्ष प्राप्ति के क्या साधन है, हम कैसे यहलौकिक पारलौकिक सुख का या मरने के बाद जो सुख वह सुख कैसे हम पा सकते हैं, ये सारे विभिन्न प्रकार के चीजों के बारे में उनका जो जिज्ञासा जगने लगी। तो आगे चलकर उनके विवाह काट हुई, ये उनका पिताजी व्यवस्था किए थे लेकिन वे अवैवाहिक जीवन व्यतीत करने का अपना निर्णय ले लिए और 14 वर्ष के बाद वे एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करने का निर्णय लिए और अपना घर से वे निकल पड़े। अभी सन्यासी के रूप में वे विभिन्न जगह पर घूमना प्रारंभ किए, वे गंगा नदी के तट पर पहुंच गए, उसके बाद विभिन्न स्थानों पर घूमते 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 उसी गंगा नदी के तट में एक अच्छे सत व्यक्ति के साथ उनका भेंट हुआ, उनका नाम था परमानंद। परमानंद उस घूमते के पीरियड में, भ्रमण के पीरियड में परमानंद नामक व्यक्ति के साथ उनका भेंट हुआ और परमानंद ने उनको अपना, परमानंद के सामने वे अपना शिष्य बनने के लिए वे आग्रह किए, उनको गुरु मानने के लिए ये स्वीकार किए। लेकिन एन के प्रकार परमानंद ने भी उन्हें स्वीकार कर लिए और मूल शंकर के नाम को परिवर्तन करके परमानंद ने उनका नाम रख दिए दयानंद। और उनका जो संप्रदाय था वह संप्रदाय सरस्वती संप्रदाय की थी, इसीलिए उनका पूरा नाम हो गया दयानंद सरस्वती। ये परमानंद के द्वारा उनका नामांकरण किया गया, उसी नामांकरण के आधार पर अभी दयानंद सरस्वती बन गए और दयानंद सरस्वती का नाम लेकर ये फिर मतलब अपना विभिन्न जगह पर घूमने का अपना प्रयत्न किए। उनके वहां तो जितना ज्ञान विज्ञान पाना था ले लिए, लेने के बाद फिर मतलब ये अपना दूर दूरांत के देशों में भ्रमण किए, विभिन्न जगह पर घूमे, विभिन्न जगह पर ये घूमते 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 ये मथुरा तक पहुंच गए। मथुरा में उनके एक और अच्छे गुरु के साथ उनका भेंट हुआ जिनका हरिद्वार मथुरा में, जिनका नाम था बीरजानंद। अभी बीरजानंद थोड़ा अंधे टाइप के थे, आंख में कम दिखते थे या अंधे थे कहा जाता है, लेकिन ये पाणिनि के व्याकरण, पतंजलि के अष्टाध्यायी, वेद वेदांग
उपनिषद ग्रंथों आदि के बड़े ज्ञाता व्यक्ति थे विरजानंद। तो उनके साथ ये कम से कम 2.5 वर्ष तक अपना जीवन व्यतीत किया, 2.5-3 वर्ष उनके साथ अच्छे ज्ञान प्राप्त किए। अच्छा मतलब ज्ञान को लेकर जब ये वहां से विदा हुए, क्योंकि उनका तो जिज्ञासा एक एक प्रश्न तो उठते रहता हृदय में, उनको जिज्ञासा आगे बढ़ा तो फिर वे मतलब वहां से निकले, तो निकल पड़े। तो उसी समय उनका गुरुजी उनको बोले ब्रजानंद कि दयानंद सरस्वती, जीव मात्र के कल्याण के लिए, समाज के उद्धार के लिए वेद वेदांग उपनिषद का सदा कदर करना और उसके प्रति सब मानवों को सब जीवों को प्रेरणा पाने के लिए उन सारी चीजों का अध्ययन करने के लिए सदा प्रेरित करते रहना। उनके बातों को अपना हृदय में लेकर वे फिर आगे बढ़े और 1872 ईस्वी में वे कलकत्ता पहुंच गए। अभी कलकत्ता में आने के बाद हमारे ब्रह्म समाज के जो संरक्षक करता थे केशव चंद्र सेन, उनके साथ उनका भेंट हुआ और उनके साथ वे मिलके उनके बारे में ब्रह्म समाज के बारे में बहुत सारी चीजों को अध्ययन किए। अध्ययन करने के बाद उनको हृदय में जगह की, एक वे सभा को भी अपना बना लिए थे, प्रार्थना सभा समाज। ये प्रार्थना सभा, ये सभा के माध्यम से उनको ब्रह्म समाज के बहुत सारे चीजों को मिला, तो फिर उसको जोड़ लिए और जोड़ने के बाद उनका उनके जो समाज की प्रति निष्ठा, प्रेम, जीवों के प्रति सद्विचार, ये सारे चीज के ये मतलब अपना हृदय में जगाए। और ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, संस्कृत में उनका बड़े सुंदर ये मतलब वाद विवाद करते थे, उनको संस्कृत में कई मतलब वाद विवाद में बड़े बड़े पंडित भी उनके सामने सोचते थे। जो भी हो, लेकिन संस्कृत के बाद ये देखे कि हम हिंदी में भी अपना प्रवचन शुरू करेंगे, तो उनके वाणियों में जादू था, वे हिंदी में भी अपना प्रवचन देना शुरू किए बंगाल में। अभी हिंदी में जब देना शुरू किए तो उनका लोकप्रियता और बढ़ गया, क्योंकि संस्कृत तो बहुत सारे व्यक्ति तो समझ नहीं पाते थे, दिक्कत होता था, लेकिन जब हिंदी में देना शुरू किए तो उनका लोकप्रियता और भी बढ़ गया। अभी 1874 ईस्वी में वे ब्रह्म समाज के साथ खूब अच्छे ढंग से काम किए और 1875 ईस्वी में वे अपना एक समाज की स्थापना किए, उसी के माध्यम से उसको विस्तार किए और उस समाज का नाम वे आर्य समाज के नाम से रखे। 1875 ईस्वी में वे आर्य समाज को बनाए। अभी आर्य समाज ब्रह्म समाज के तो साथों मिला हुआ है और मिलके अपना सिद्धांत को और मजबूत बनाए। उनमें तो उनका जो अपना अपना जो मन की जो विचार उसको तो ये रख के वेद वेदांगों या विभिन्न उपनिषदों के चीजों को उसमें संकलित करके और अच्छे ढंग से मतलब ये अपना विचार को उसमें सिद्धांत के रूप में रखे। और साथ ही साथ 1874 ईस्वी में न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी बना था। थियोसोफिकल सोसाइटी वहां बनाया थे न्यूयॉर्क में 1874 ईस्वी में। तो वहां के जो अध्यक्ष थे मेन, तो ये भी 1875 ईस्वी में वहां आ गए थे बंगाल और उनके साथ भी ये मिल गए। इसी प्रकार अभी ब्रह्म समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी और आर्य समाज तीनों मिल के मतलब इनका संगठन और मजबूत बन गया, दयानंद सरस्वती का संगठन। और अभी बनाने के बाद वे यह अनुभव किए कि जनताओं के सामने संस्कृत को तो स्थान देना ही है, क्योंकि संस्कृत तो हम लोगों का आदि मूल भाषा है, लेकिन साथ ही साथ हमें क्षेत्रीय भाषाओं का जो मानव है उन लोगों को तो उन लोग तक इस विचार को इसी महत्वपूर्ण चीजों को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये मतलब अपना दूसरे भाषा में भी अपना वचन प्रवचन देना शुरू किए, सत्संग किए
प्रार्थना प्रार्थना सत्संग आदि चीजों का जो उसमें विधान है वह मतलब करना शुरू किए और मानवों को सत्प्रेरणा देने लगे। लेकिन वे हिंदी में विशेष रूप से उनका हिंदी भी पूर्ण रूप से हिंदी का ज्ञाता बन गए थे और हिंदी में बहुत सुंदर ये मतलब अपना प्रवचन देने लगे। अभी 1882 ईस्वी में वे एक गौरक्षा सभा का भी वे मतलब बंगाल में अपना स्थापना किए थे। काओ प्रोटेक्टिंग एसोसिएशन, काओ प्रोटेक्टिंग एसोसिएशन गौरक्षा सभा, इसका मतलब ये स्थापना किए थे। इसके माध्यम में भी मानवों को बहुत सारे श्रद्धा के बारे में, सेवा के बारे में, विभिन्न चीजों के बारे में मानवों को सद्ज्ञान मिली, सत्प्रेरणा मिली। और 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को 59 वर्ष की अवस्था में ये पुण्यात्मा का, ये महात्मा का देहावसान हुआ, उनका मृत्यु हुआ। अभी उनके कृतियों के बारे में जानना है कि वे क्या क्या कृतियां उनका थी। तो एक नंबर में है सत्यार्थ प्रकाश, उनका सबसे महत्वपूर्ण कृतियां थी सत्यार्थ प्रकाश। ये 1874 ईस्वी में ही ये लिखे थे, बनाए थे। सत्यार्थ प्रकाश क्या कृतियां हैं उसमें है? वेद, वेद की जो मुख्य चीजें हैं सत्यार्थ प्रकाश में, उसमें अपना आकलन किया गया था। और सत्यार्थ प्रकाश की जो सिद्धांत है, सत्यार्थ प्रकाश में विभिन्न धर्म ग्रंथों के चीजों को उसमें आकलन किया गया था, जिसमें संस्कार के बारे में विशेष करके दिया गया था। जन्म संस्कार, मृत्यु संस्कार, उपनयन संस्कार, बाल संस्कार, उसके बाद विद्याध्यन विद्यारम्भ संस्कार आदि विभिन्न प्रकार के विभिन्न संस्कारों का उसमें विशेष संकलन किया गया था कि हमारे वेद वेदांकों में जो संस्कार है वो संस्कार तो महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें कुछ सरलता लाने के लिए, सरल करके ये मतलब एक संस्कार के बारे में विभिन्न प्रकार के उसमें विधाएं, ज्ञान मानवों को देने का प्रयत्न किया गया है सत्यार्थ प्रकाश में। और उसमें सरलता लाई गई है क्योंकि पहले जो हमारे जो मतलब वेद वेदांत की चीजें हैं बहुत सारी चीज थोड़ा कठोर है, लेकिन इसमें यह सरलता लाने के लिए उसमें थोड़ा सरल करके उसको सत्यार्थ प्रकाश में प्रकाशित करने का यह प्रयत्न किया मुख्य कृतियां। फिर सेकेंड कृतियां है, दूसरे है वेद भूमिका, वेद वेद भूमिका, वेद भूमिका में किया है वेदों के बारे में, उसमें विशेष रूप से वेद के बारे में उसमें कहा गया है, आख्यान के बारे में, उपनिषदों के बारे में, उसके बारे में अच्छे ढंग से उसमें मतलब किया गया है। फिर और तीसरा है ऋक वेदादि भाष्य, ऋक वेदादि भाष्य भूमिका, वो तो वेद 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 भाष्य भूमिका था, ये ऋक वेदादि भाष्य भूमिका, ऋक वेदादि भाष्य भूमिका, इसमें ये और भी दूसरे धर्मों का भी या जो धर्म की विभिन्न मानव के धर्म का जो विभिन्न धर्मों का आलोचना उसमें किया गया था और उसमें स्वाध्याय के बारे में विशेष रूप में उसमें मतलब दिया गया था कि जानने से करने का भी मतलब कुछ विधा होना चाहिए, अर्थात श्रद्धाय संयमता श्रद्धाय ये सारे विभिन्न चीजों के बारे में उसमें ज्ञान दिया गया था। तो इसी प्रकार उनका कृतियां है। अभी देखना होगा, जानना होगा हम लोग को, इतना जानने के बाद अभी आएंगे हम लोग कि ब्रह्म समाज के बाद जो आर्य समाज की जो मतलब न्यू हमारे भारत भूमि में एक महत्वपूर्ण थी, इसके बारे में हम लोग को इसको जानना है। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बंबई में इनका स्थापना हुई थी फर्स्ट, उसके बाद धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार विभिन्न जगह पर होने लगा। अतः यह समाज के संस्थापक के रूप में हम दयानंद सरस्वती को ही मुख्य रूप से उनका दर्जा दिया जाता है। उनका पहले का नाम था मूलशंकर, बाद में उसका नाम हुआ दयानंद सरस्वती। उन्हीं के करकमल द्वारा यह संस्था का प्रचार प्रसार और इसके विभिन्न सिद्धांत हमारे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में संकलित किया गया है और ये सारे सिद्धांत निम्नलिखित प्रसंग में
वाक्यांश करेंगे। तो उनका सिद्धांत क्या है, अभी सिद्धांत में आना है। आर्य समाज का मुख्य सिद्धांत है कि ईश्वर एक है, एकेश्वरवाद के एकेश्वरवाद पर विश्वास करते थे। ईश्वर एक है, वह सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान है, अजन्मा है, निराकार है, निर्गुण निराकार है, अपरिवर्तनशील है, अनश्वर है, अतः इनका उपासना मानवों को करना चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट में वेदों का, उपनिषदों का, ग्रंथों का विशेष अध्ययन करना चाहिए और उसमें जो सद ज्ञान है, सद विचार है, ये चीजों को अपना जीवन में उतारना चाहिए और उसको दूसरे मानवों को भी उतारने के लिए, दूसरे मानवों को भी उसको ग्रहण करने के लिए सदप्रेरणा देना चाहिए। क्योंकि केवल अपना ही मंगल नहीं, अपना ही कल्याण के लिए नहीं, बल्कि जीव मात्र के कल्याण के लिए उनका सिद्धांत था। नेक्स्ट पॉइंट, वेदों के अध्ययन के पश्चात हम ब्राह्मण के अतिरिक्त, उच्च वर्ण के अतिरिक्त शूद्र वर्ण को भी, मतलब इस पर अधिकार दे देना चाहिए। शूद्र वर्ण का भी उसमें स्थान आ गया। कोई भी मानव मात्र के लिए वेद वेदांगों उपनिषदों का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्रता मिल गई, छूट मिल गई, किसी प्रकार का कोई मतलब उसमें अंकुश नहीं। उसके बाद है विभिन्न शिक्षण संस्थाओं का, विभिन्न श्रद्धा के लिए उसको अपना जीवन में उतारने के लिए, श्रद्धा के लिए विभिन्न संस्कारों का, विभिन्न श्रद्धाओं का जो व्यवस्था की व्यवस्था, वह व्यवस्था के लिए विभिन्न गुरुकुल, डीएवी स्कूल आदि विभिन्न प्रकार की मतलब संस्थान, शिक्षण संस्थाओं का व्यवस्था भी किया जाए, किया गया। ये सारे मतलब उनका अपना सिद्धांत में है कि संपूर्ण मानव मात्र एक है, जीवों में किसी प्रकार की द्वेष की भावना, ईर्ष्या की भावना, प्रतिस्पर्धा की भावना, हिंसात्मक भावना, ये सारे चीज नहीं होना चाहिए। अर्थात जैसे ही ब्रह्म समाज की जो क्रियाकलाप है सेम उसी प्रकार ही था, लेकिन ये थोड़ा उसमें और भी सरल बना दिए और साहस के साथ, अदम्य साहस के साथ मानवों को अपनाने का इसमें प्रेरणा मिली है। तो सभी जीवों के कल्याण के लिए ईश्वर के एकत्व पर विश्वास करना, एक ईश्वर का ही दर्शन करना, ईश्वर अनश्वर है, अजन्मा है, अपरिवर्तनशील है, न कभी मरते हैं न कभी जन्मते हैं, अतः अविनाशी है, अलौकिक है, अतः इनका उपासना मानवों को करना चाहिए। जीवों को उद्धार के लिए वेद वेदांगों के प्रति अपना ध्यान को ले जाना चाहिए और उससे जो निर्देश है उस निर्देशों को अवलंबन कर आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए, अपने उद्धार का मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। शूद्र वर्ण उच्च वर्ण में कोई अंतर नहीं, अर्थात छुआछूत की भावना को समाप्त करके वे एक आर्य सिद्धांत के आधार पर, समाज के सिद्धांत के आधार पर मानवों को चलने का प्रेरणा दिए। इसी प्रकार ये सिद्धांत उनका महत्वपूर्ण सिद्धांत भारत के लिए, भारत के जनगणों के लिए उस परिस्थिति में थी। और इसके सिद्धांत के बाद अभी हम लोग को जानना है कि आज समाज के क्या देन था, कितना योगदान था समाज के प्रति, धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति, साहित्य शिक्षा के प्रति, कितने धर्म मतलब उनका समर्पण था, कितने वो मतलब अपना उसमें परिवर्तन कर पाए उस युग में, अतः इनके विभिन्न देनों के बारे में अभी अध्ययन प्रस्तुत करेंगे। तो पहला देन है सामाजिक क्षेत्र में। हमारे
ब्रह्म समाज ने छुआछूत की भावना, जातिपात की भावना, उच्च नीच की भावना, सती प्रथा, बाल विवाह, शिशु हत्या, पर्दा प्रथा आदि विभिन्न प्रकार की जो कुसंस्कार है मानव में थी, समाज में थी, वो ये सारे चीजों को ये तो पहले उजागर कर दिए थे। और उसी प्रकार हमारे आर्य समाज के आर्य समाज भी उसी को मतलब अपना महत्वपूर्ण चीज समझे, महत्वपूर्ण वस्तु माने, जो समाज के लिए कलंक है वैसे कलंकित चीजों को ये भी अपना समाज में कदापि स्थान नहीं दिए और वे मानवों को सत्प्रेरणा दिए कि सभी मानव मात्र एक माता पिता की संतान जैसा स्वयं समाज में जो विभिन्न प्रकार की अपना विभिन्न प्रकार की दुष्प्रवृत्तियां हैं, कुरीतियां हैं, कुसंस्कार हैं, ये सारे कुसंस्कार के प्रति स्वयं को सचेत रहना होगा, जागृत होना होगा और अपने भीतर जागृति लाकर हम क्या करें, छुआछूत की भावना, जातपात की भावना, ऊंच नीच की भावना, सती प्रथा, बाल विवाह, शिशु हत्या, पर्दा प्रथा आदि जो विभिन्न प्रकार की कुसंस्कार है ये सारी चीजों को समाप्त करेंगे और उसको अपना जीवन में कदापि स्थान नहीं देंगे और क्या करेंगे, अनाथालयों, अनाथ बच्चों के लिए अनाथालयों, विधवाओं के लिए विधवा आश्रम आदि विभिन्न प्रकार की मतलब संस्थान बनाएंगे और ये संस्थानों के माध्यम से मानव को सुरक्षा मिलेगी, संरक्षण मिलेगा। अतः ये विभिन्न प्रकार की समाज के प्रति उनका अपूरणीय देन है। आज जो समाज के माध्यम से समाज में जो कुरीतियां थी, समाज की जो रीति नीति, समाज संस्कृति में विभिन्न प्रकार की जटिलताएं थी, ये सारे जटिलताओं को ये सरलता में परिणत किए और एक सुगम सरल समाज की संघ स्थापना में अपना अहम भूमिका निभाई। नेक्स्ट पॉइंट है धर्म के क्षेत्र में। अभी धर्म क्या, ईसाई मिशनरी, इस्लाम, विभिन्न धर्मों का प्राबल्य तो आ गया था भारत में। पश्चिमी जगत के विचार चिंतन से जनमानस कलुषित हो गई थी, अपना धर्म परिवर्तन करना तो तमाम बात हो गया था। हिंदू संस्कृति के मानव धड़ल्ले के साथ मिशनरियों में, इस्लामियों में अपना धर्म परिवर्तन कर लेते थे। ऐसी विकट परिस्थिति में आर्य समाज एक महत्वपूर्ण कदम उठाई, वे मानव को सद्प्रेरणा दिए, कहे कि वेद की ओर लौटो, अपना जो भित्ति है, अपना जो आधारशिला है उसके प्रति अपना ध्यान को केंद्रित करो। स्वयं बाइबल, स्वयं तो लूथर ने भी कहे हैं कि बाइबल की ओर लौटो, बैक टू द बाइबल। उसी प्रकार हमारे ये महात्मा भी नारा दिए, दयानंद सरस्वती, कि वेद की ओर लौटो, बैक टू द वेदाज, बैक टू द वेदाज। इसी प्रकार ये भी अपना प्रवचन दिए, मानवों को सद्प्रेरणा दिए कि उसके प्रति जाएंगे, ध्यान को केंद्रित करेंगे तो हमारे जो ऐतिहासिक वृत्तांत में क्या चीज है, हम मैं क्या हूं, मेरा समाज क्या है, हमारे क्या संस्कृति है, हमारे सभ्यता क्या है, इसके प्रति मानव को ज्ञान होगा और उन लोगों में यह जागृति आएगी। ये पश्चिमी दुनिया के रंग में अपने को स्वयं को रंगना नहीं है, उतने ही रंगना जो कि रंगने योग्य हो और जो उपेक्षित चीज है ये सारे चीजों को रंग के संपूर्ण रूप से उस पर समर्पित नहीं होना है। ब्रह्म समाज का भी वही नियत था जो कि आर्य समाज का आ रहा है, लेकिन आर्य समाज और भी इसमें मतलब कड़ाई के साथ उसका अनुपालन किए, ब्रह्म समाज उतना अनुपालन नहीं कर पाया था, लेकिन दयानंद सरस्वती का जो आर्य समाज है, आर्य समाज में कड़ाई के साथ ये सारे विदेशियों का जो मतलब प्राबल्य है, विदेशी प्रथाएं, विदेशी संस्कृति, सभ्यता, उसके प्रति ये सदैव मतलब अपना क्रांति को मजबूत बनाकर रखे थे, जनमानस को कभी मतलब उसमें रंगने के लिए कदापि ये इंगित नहीं किए और सतत रहने का ये संदेश सदैव दिए हैं। अतः ये कहें कि अगर कोई मानिए ऐसे कि शुद्धिकरण का भी नियम बना दिए थे दयानंद सरस्वती, शुद्धिकरण धर्मों में शुद्धिकरण होता था। धर्मों में क्या शुद्धिकरण, मानिए कोई इस्लाम बन गया है, किसी कारण बस इस्लाम बन गया है या कोई मिशनरी में गया है, तो ऐसे स्थिति में अगर वह हमारे हिंदू में आना चाहते हैं तो उसके लिए एक संस्कार करके, हमारे वैदिक संस्कार करके उसको फिर मतलब अपना हिंदू धर्म में, सत्य सनातन धर्म में प्रवेश का द्वार खोल दिया गया। इसमें बहुत सारे मतलब हमारे मानव
धड़ल्ले के साथ फिर मतलब लौट के आ गया अपना समाज में। तो इसी प्रकार शुद्धिकरण की भी मतलब ये व्यवस्था कर दिए थे। ये सारे वेद वेदांगों के आधार को लेते हुए मानवों को ये शुद्धिकरण की व्यवस्था की और धड़ल्ले के साथ मानव दौड़ दौड़ के फिर मतलब आ गया हमारे सत्य सनातन धर्म के नियम में और हमारे आधारशिला को। आज समाज के सहयोग के परिणाम स्वरूप एक फिर से मतलब द्रुत गति से अपना समाज को बचाने का उनका विचार चिंतन जागृत हुआ और एक नवजागरण की भावना आने लगी और समाज में धर्म में एक जागृति पैदा हुई। अभी राष्ट्रीयता के क्षेत्र में आर्य समाज राष्ट्रीयता के प्रबल समर्थक थे, क्योंकि दयानंद सरस्वती स्वप्नदर्शी थे कि एक राष्ट्र, एक जाति, एक भाषा, एक ईश्वर, ये तो उनका तो मतलब अपना सिद्धांत है। अतो ये कि मानव मात्र सब एक जात अर्थात ये, लेकिन ये अवतारवाद पर विश्वास नहीं किए और तीर्थ यात्रा या विभिन्न प्रकार की जो पाखंडी थी, विभिन्न पाखंडिया, ये सारे चीजों को ये मतलब धर्म में समाज में कहीं भी मतलब ये स्थान नहीं दिए और एक सरल सुगम समाज संस्कृति के रूप में मानवों को चलने का उन्हें सदैव प्रेरणा दी है। तो आर्य समाज की जो राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीयता के प्रबल ये समर्थक थे, राष्ट्रीयता के पुजारी थे। आगे चलकर मानवों को सत्प्रेरणा मिली, भारत भारतीयों का है ये जो नारा, भारत भारतीयों का है ये नारा साधारण नारा नहीं है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके भीतर राष्ट्रीयता की भावना पूर्ण रूप से प्रज्वलित थी। तिलक भी उनके बारे में विभिन्न स्थान पर भाष्य करते हुए कहे हैं कि राष्ट्रीयता की भावना स्वप्नदर्शी के रूप में हमारे दयानंद सरस्वती का एक ऐतिहासिक सफल प्रयास थी। हमारे फ्रांस के लेखिका रोमान रॉयाले भी कहे हैं, रोमान रॉया ये भी बोले हैं कि वास्तव में पतित के या शिथिल अवस्था में पड़े शिथिल अवस्था में जो भारत की समाज संस्कृति थी, वैसे शिथिल अवस्था को जर्जर जर्जर या दुर्बल समाज के ऊपर एक क्रांति का या एक साहस, एक अदम्य शक्ति, पराक्रम फूकने का काम दयानंद सरस्वती ने किए थे। अतः विभिन्न विद्वानों, देश विदेश के विद्वानों ने हमारे दयानंद सरस्वती की विभिन्न विचारों का, ये लोग दर्शनों का ये लोग अवलोकन किए हैं, अध्ययन निरीक्षण परीक्षण किए हैं और विभिन्न प्रकार की भाषाओं से अपना परिभाषित किए हैं। अतः राष्ट्रीयता की भावना उनके हृदय में या हमारे आर्य समाज के जो विचार हैं, आर्य समाज के सिद्धांत का, आर्य समाज का एक महत्वपूर्ण देन रहा है। उसके चलते आगे चलकर हमें राष्ट्रीयता की भावना, देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति स्वाभिमान की जो भावना सदैव बनी रही और जागृत रही और हमें राष्ट्रीयता के लिए प्रबल सहयोग के रूप में आर्य समाज की अहम भूमिका रही है। नेक्स्ट पॉइंट है साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में। साहित्य के बारे में तो वही कि ये तो सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य, ऋग वेद आदि भाष्य भूमिका आदि विभिन्न प्रकार के ये मतलब अपना पत्र पत्रिका किताब आकलन किए, संकलन किए, उनकी वो सब मुख्य कृतियां थी। व्याकरण, ज्योतिष, वेद वेदांग उपनिषद सारे चीजों को ये समेट कर विभिन्न धर्मों के आलोक में अपना सिद्धांत बनाकर मानवों को अपना साहित्य के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ये अपना विचार को रखे। तो ये जो कृतियां हैं, साहित्यिक कृतियां, ये सारी कृतियां उनके महत्वपूर्ण विषय रही है, महत्वपूर्ण वस्तु रही है जो कि मानव जीवों के लिए युग युग तक उनका कृतियां चिरस्मरणीय या युग युग तक मानवों को सत्प्रेरणा देते रहेगी और ये आगे चलकर उनका शिष्य जो बन शिष्य मतलब उस आर्य समाज के जो आए उसमें हंसराज और श्रद्धानंद दो व्यक्ति आ गए। तो हंसराज उनमें दोनों में विभेद हो गया और दो गुट बन गया, एक हंसराज और एक श्रद्धानंद के द्वारा। और ये गुट बनने के बाद ये दोनों मतलब अपना प्रचार प्रसार आर्य समाज का करने लगे।
लेकिन दोनों का विचार थोड़ा अंतर था, लेकिन वे लोग जैसे कि हंसराज जी ने डीएवी स्कूल कॉलेज जो आज तक मतलब हमारे देश के विभिन्न कोने कोने में स्थापित है, ये सब हमारे पूर्वजों का विचार चिंतन उन लोगों के मस्तिष्क का उपज है, जिस उपज का मतलब जो उपज अंकुरित पल्लवित पुष्पित फलित होते रहा है और युग युग तक होते रहेगा। उन लोगों का विचार कितना स्निग्ध विचार, पवित्र विचार, कितने मतलब उन लोगों का आंतरिक भविष्य दृष्टा थे। वे लोग भविष्य में मेरा देश कैसा होगा, भविष्य में मेरा नेक्स्ट जनरेशन किस प्रकार बनेगा, कैसे होना चाहिए, इसके प्रति वे लोग भविष्य दृष्टा के रूप में अपना विचार चिंतन को इतने सुंदर अपना स्वाध्याय के रूप में भी, अनुशीलन के रूप में भी अपना जीवन में अपना कर मानव को सम्प्रेरणा दी है। अतः यह शैक्षणिक दृष्टिकोण से साहित्यिक दृष्टिकोण से उन आर्य समाज की अपूरणीय भूमिका रहा है। हमारे वेद वेदांगों के अतिरिक्त अपने दूसरे अन्य जो धर्म संस्कृति है ये सारे चीजों को भी ये लोग अपना मंथन चिंतन करके मानवों के काल और युग के परिस्थिति के अनुसार मानवों के हित हेतु समाज के हित हेतु ये लोग अपना विभिन्न प्रकार के संस्था बनाए, विभिन्न प्रकार के आश्रम बनाए, विभिन्न प्रकार के स्कूल कॉलेज खुले, विभिन्न प्रकार के गुरुकुलों का व्यवस्था किया गया और इसी प्रकार आर्य समाज की एक अपूरणीय धन भारत के इतिहास में रहा है। ये सारे विभिन्न तथ्य तथ्यों के समालोचनात्मक अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वास्तव में दयानंद सरस्वती द्वारा गठित हमारे ब्रह्म समाज के समतुल्य भारत के भारत भूमि में मानव समाज संस्कृति धर्म के प्रति राष्ट्र के प्रति एकता समता भ्रातृत्व की भावना को बंधुत्व की भावना को सर्वमंगल कामना लेते हुए, क्योंकि वे सर्वमंगल के लिए है, एक के लिए नहीं। उन लोगों का विचार था कि अपना उद्धार तक ही वे लोग सीमित नहीं थे, क्योंकि ये उन लोगों का विचार था कि सर्वमंगल कामना लेते हुए उन लोगों का मंत्र ही था वेद मंत्र वीर मंत्र में उन लोग सब जगह पर सब स्थान पर ये लोग और उसी के प्रति इंगित करते हुए सरस्वती बोले हैं, ओम नतमहं कामाय राज्यं न सुखं न पुनर्भवं कामये दुख तप्तानां प्राणिनां आर्तनाशनं स्वास्थ्य प्रजव्य परिपालनता न्यायेन मार्गेण मार्गेण महेशो गो ब्राह्मणो सबक स्वस्तु नित्यं लका भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे शान्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम् आप्नुयात् नमस्ते सतते जरत्करणाय नमस्ते चित्ते सर्वलोकाश्रय नमो अद्यत्वाय मुक्ति प्रदाय नमो ब्राह्मणे व्यापिने शाश्वताय तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्व मम देव देव। ईश्वर के प्रति समर्पण भावना रखते हुए अपने विचार को कितने सुंदर ये लोग वेद वेदांगों के आलोक में मानव को सदर्पण देकर सद्ज्ञान देकर एकता समता के पाठ पढ़ाकर वे भारत भूमि में इसी प्रकार एक नवीन समाज की स्थापना करके समाज धर्म राष्ट्रीयता की भावना साहित्य के क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्र में ये लोग अपना अपूरणीय समर्पण देकर मानव को प्रेरित करके जगत को एक सरल सुगम मार्ग दिखाकर उद्धार के मार्ग को प्रशस्त किए हैं। थैंक यू ऑल नेक्स्ट क्लास।